औरंगजेब, जिसको यहाँ बहुत खराब, खतरनाक, खूंखार, हिंदू विरोधी राजा कहा जाता है, और जिसको पाकिस्तान में सबसे ग्रेट, सबसे महान कहा जाता है, दोनों इंटरप्रिटेशन गलत है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि जहां औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाया, अब क्यों तोड़वाया आपको ब्रैकेट में बता दूं, तो वहां आसाराम बापू टाइप एक केस हुआ था। उसने हैदराबाद के पास गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़वाया था। क्यों तोड़वाया था? मस्जिद के नीचे तानाशाह ने संपत्ति छुपाकर रखी थी। खैर, ये तो मैं कुछ लोग तक पहुंचती है बात। सवाल ये है, इन्हीं बातों के आधार पे समाज में नफरत फैलाई जाती है, तो हम करें क्या? आप निश्चित रूप से आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इसको मजबूत कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी काम ऐसा ना करें, कोई भी पॉलिसी ऐसा ना ले जिससे आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों को कहने का मौका मिले, देखो ये लोग ऐसे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आशा है आप मेरे से इस बात पर सहमत होंगे। हमारा घर साफ होना चाहिए, एक। दूसरा, समाज में जो नफरत फैलाई गई है उसको दूर करने के लिए ये जो चीज़ें हैं, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, राजाओं ने इस्लाम फैलाया, इसको एक अच्छे तरीके से लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। अब मैं खुद का एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहता, पर मैं पिछले कई सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। YouTube वीडियोस के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, ये बहुत ज़रूरी है कि आप में से कई नौजवान लोग इसमें ट्रेनिंग लें, और उसके लिए रास्ते खुले हैं। हम लोग मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारी एक बड़ी ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो सच्चाई को, इस प्रकार की सच्चाई को जो समाज को चाहिए, उस प्रकार की सच्चाई को खुद समझे और समाज के ज़्यादातर लोगों तक ले जाने की कोशिश करे। और तीसरा, समाज में जो प्रेम मोहब्बत का वातावरण था, हिंदू मुसलमान का जो एकता थी, जिस एकता के लिए महात्मा गांधी ने अपनी जान तक दे दी, उस एकता को वापस लाने की ज़रूरत है।